साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। अब हम पढ़ेंगे पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। भाई देखो, क्राइम बड़ा छोटा कैसा भी हो पर क्राइम क्राइम होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें छोटी बड़ी हो सकती हैं तो उसमें तो क्या होना क्या नहीं होना बात की बात है, पर क्राइम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्राइम इज़ क्राइम। तो उसका जो सेकेंड पार्ट है अपने फर्स्ट पार्ट का, वो है पेटी मतलब छोटे छोटा, ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब संगठित अपराध, छोटा संगठित अपराध। ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि हुएवर बींग अ मेंबर ऑफ ग्रुप और गैंग इधर सिंगली और जॉइंटली कमिट द एक्ट ऑफ थेफ्ट, स्नैचिंग, चीटिंग, अनऑथोराइज सेलिंग ऑफ टिकट, अनऑथोराइज बैटिंग, अनऑथोराइज गैम्बलिंग, अनऑथोराइज सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर और एनी द सिमिलर क्रिमिनल एक्ट इज सेट टू कमिट पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। अब इसका हिंदी वर्जन पढ़ना जरा एक बार, मजा आ जाएगा आपको। जो कोई समूह या टोली तो भाई ये मतलब क्या शब्द है, कई बार यूज़ करती है पार्लियामेंट भी, बड़े हंसी आती है भाई। मेन बात ये कि समूह की तो बात ठीक है, जो कोई समूह या टोली का सदस्य होते हुए या तो एकल रूप से, अकेले ही काफ़ी हैं ऐसा इंडिकेट किया गया, या संयुक्त रूप से, नहीं भाई हमको तो लोग चाहिए हमारे आसपास, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं भाई, कोई तो मनोरंजन करेगा हमारा और फिर कुछ जने प्लानिंग करेंगे, कुछ जने काम करेंगे, होता है। तो अगर ये पूरा गैंग जो है मतलब मिल बांट के या एकल रूप से चोरी झपट मारी, इसको इस वर्ड के यूज़ के लिए स्नैचिंग, चीटिंग, छल, टिकटों के अप्राधिकृत रूप से विक्रय, अप्राधिकृत शर्त लगाने, बड़ा खतरनाक मामला है, तो भाई क्राइम नहीं करना ऐसे शब्दों को पढ़ने के बाद। तो सेलिंग ऑफ टिकट्स, ठीक है जी, इन अनऑथोराइज वे, उसके बाद जुआ खेलना या लोक परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय या अन्य कोई रूप में आपराधिक कृत्य करना, ठीक है जी। तो ये छोटा संगठित जो है अपराध कहलाएगा। अब इसमें स्पष्टीकरण क्या है, थेफ्ट इंक्लूड ट्रिक थेफ्ट, थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, ड्वेलिंग हाउस और बिजनेस प्रेमाइसिस, कार्गो थेफ्ट, पिक पॉकेटिंग, थेफ्ट थ्रू कार्ड स्कीमिंग, इसके अलावा हो गया शॉपलिफ्टिंग एंड थेफ्ट ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब सारा का सारा तो इंक्लूड कर दिया है बट इन सबको पढ़ना पड़ेगा भाई। अब थेफ्ट में क्या क्या इंक्लूड है, चोरी में चालाकी से चोरी, ट्रिक थेफ्ट, यान से चोरी या निवास गृह से चोरी या कारोबार के परिसर चोरी या कार्गो से चोरी, पॉकेट मारना, कार्ड स्कीमिंग, शॉप लिफ्टिंग के माध्यम से चोरी, स्वचालित टेलर मशीन की चोरी, ये सब चोरी में शामिल है। तो ये कैटेगरी जो है दे रखी है उसको जो है आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें रट्टा लगाने पड़ेगा भाई, इसका ऑप्शन मेरे पास में भी नहीं है। खरा लेके जाओगे तो वैसे भी अपने आप में अब तो बन चुका है भाई, ये पढ़ा ना आपने अभी, अपराध मारे जाओगे। हुएवर कमिट्स एनी पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर। तो इसमें सजा जो है मिनिमम है 1 साल की और मैक्सिमम है 7 साल की, और यहाँ फाइन में लगेगा। उसमें ऊपर तो क्लियर है कि आजीवन ही जाना पड़ सकता है, पर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सजा 7 साल तक की है, क्लियर है जी। अब आते हैं 113 BNS के ऊपर, ये डिफाइन करता है आतंकवादी कृत्यों को, टेररिस्ट एक्टिविटी। हुएवर डज एनी एक्ट विद इंटेंट टू थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया विद इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर और लाइकली टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल और एनी सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री। कुल मिला के ऐसा एक्ट जो कि इंटेंटेड है, दूसरी बात इंटेंशन क्या, टू कमिट थ्रेट और ऐसी थ्रेट जो कि भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को अफेक्ट कर दे, तार तार कर दे, और ऐसा एक्ट जो टेररिज्म कैटेगरी में आता है। टेररिज्म मीन्स टेरर क्रिएट करने वाला एक्ट, जो कि लोग या उनका कोई समूह है उनमें जो है इस तरह का टेरर जो है क्रिएट कर दे। अब उसमें क्या क्या है, बाय यूजिंग बॉम्ब्स, बॉम्ब्स का उपयोग करते हुए, क्लियर है, डायनामाइट और अदर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस और फायरआर्म और अदर लीथल वेपन्स और पॉइजनस और ऐसी कोई गैस जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा कोई केमिकल या ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर और ऐसा कोई भी हजार्डस नेचर का सब्सटेंस जो है शामिल है, जो कि, तो पहला पार्ट तो ऊपर वाला आ गया, दूसरा पार्ट ये आ गया कि यूज़ क्या करेंगे, बॉम्ब, ठीक है जी, डायनामाइट, कोई सब्सटेंस जो कि एक्सप्लोजिव है या इनफ्लेमेबल है, मीन्स ज्वलनशील पदार्थ,
या फायर आर्म्स या ऐसा कोई लीथल वेपन जैसे बैटरी वगैरह होती है इसमें कवर कर सकते हैं, या ऐसा कोई गैस जो पॉइजनस है, या ऐसा कोई केमिकल जिसमें बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर और ऐसा कोई हैजार्डस सब्सटेंस भी जो है शामिल किया गया है जो कि इस नेचर का है, जो क्या कर सकता है, जो मृत्यु कारित कर सकता है या गंभीर इंजरी कॉज कर सकता है किसी व्यक्ति को या व्यक्ति के समूह को, कोई प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, डिस्ट्रक्शंस कर सकता है, क्लियर है। इसके अलावा डिसरप्शन ऑफ एनी सप्लाइज और सर्विसेज एसेंशियल टू द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी इन इंडिया और इन एनी द फॉरेन कंट्री। अब ये समझने की बात है, मान लो जी एक ब्रिज बना हुआ है जी एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में और वहाँ से आता है दूध, क्लियर है, और उस ब्रिज को जो है बम लगा के तोड़ दिया, तो ये भी एक्टिविटी जो है इसमें कवर हो जाएगी टेररिस्ट एक्टिविटी में, क्लियर है ना। और इसके अलावा है डैमेज टू द मॉनिटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया बाय द वे ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरा है स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफिट इंडियन पेपर करेंसी कॉइन और एनी अदर मटेरियल। तो कुल मिला के जो मॉनिटरी स्टेबिलिटी है इंडिया की उसको अफेक्ट करना, या तो स्मगलिंग करके या फर्जी नोटों को जो है चला कर या कॉइन्स को जो है चला कर या ऐसे किसी मटेरियल को जो कि यूज़ होता है एज मुद्रा उनको चला कर, तो देश की आर्थिक व्यवस्था को अफेक्ट करने की नीति भी जो है इसमें शामिल है, या ऐसा कोई डैमेज या डिस्ट्रक्शन किसी प्रॉपर्टी को लेकर जो इंडिया में है या किसी फॉरेन कंट्री में है जो कि यूज़ की जा रही है सरकार के द्वारा फॉर द पर्पज़ ऑफ डिफेंस, ठीक है, या ऐसा कोई भी स्थिति या वस्तु स्थिति जिसका कनेक्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है या स्टेट गवर्नमेंट से या उनके एजेंसी से, उनको डैमेज कर देना, तो वो भी जो है यहाँ पर कवर हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए गवर्नमेंट ने जो है कुछ ऐसे वेपन्स बनाए जिनको जो है यूज़ करने से पहले किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में जो है इंस्टॉल कर दिए जो कि इंडिया के चारों ओर जो है चक्कर काट रहे हैं, उनको जब भी लगेगा भाई कि इंडिया पे खतरा होने वाला है तो वो फायर कर देंगे और उन वेपन्स का यूज़ करते हुए दुश्मन को जो है मार गिराएंगे, तो आपने वो इंस्ट्रूमेंट ही नष्ट कर दिए आपने, मीन्स किसी ऐसे व्यक्ति ने जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उसमें अगर वो डैमेज है उस प्रॉपर्टीज़ का जो कि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए आवश्यक था और उसको डिफेंस के रूप में जो है यूज़ किया जाता, भले वो इंडिया में है या इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में है, पर ऐसे गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट को और उनकी एजेंसीज को भी जो है शामिल किया गया है, तब ऐसी एक्टिविटीज़ जो है उस सिनेरियो में जो है कवर हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो है लिखी गई है कि क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करना या ऐसा अटैम्प्ट करना जिसके कॉन्सिक्वेंटल में आप डेथ कॉज कर सकते हैं किसी पब्लिक फंक्शनरी की, या किसी ऐसी स्थिति को सस्टेन करने के अंदर पूर्ण योगदान देना, क्लियर है, तो ये भी जो है इसमें कवर हो जाएगा। और इसके अलावा डिटेन, किडनैप, एबडक्ट एनी पर्सन और थ्रेटनिंग टू किल और इंजर एनी पर्सन, और ऐसा कोई काम करना या करने के लिए मजबूर करना किसी गवर्नमेंट को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और कोई गवर्नमेंट है फॉरेन कंट्री की या कोई संस्थान है जो कि इंटरनेशनल है या डोमेस्टिक है, तो उस स्थिति में भी ऐसी एक्टिविटी टेररिस्ट एक्टिविटी या टेररिस्ट एक्ट के प्रीव्यू में जो है आ जाएगी। अब पब्लिक फंक्शनरी क्या है, मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पब्लिक फंक्शनरी। तो कुल मिला के जी टॉपिक बहुत लंबा है, पर सेक्शन 113 BNS का बेसिक जो है इंटेंट क्या है कि जो कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी करेगा, मीन्स बॉम्ब का यूज़ करेगा, डायनामाइट का यूज़ करेगा, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का यूज़ करेगा, किसी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस का यूज़ करेगा, फायर आर्म का यूज़ करेगा, लीथल का यूज़ करेगा, किसी गैस का यूज़ करेगा, किसी केमिकल का यूज़ करेगा, किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ करेगा जिससे वो किसी व्यक्ति विशेष को जो है नुकसान पहुँचा देगा, प्रॉपर्टी को जो है नुकसान पहुँचा देगा, सर्विसेज को इंटरप्ट करेगा जो कि एसेंशियल है, चौथी बात सरकार को नुकसान पहुँचाएगा आर्थिक रूप से, पांचवी बात सरकार की संपत्तियां हैं देश को डिफेंड करने के लिए उसको नुकसान पहुँचाएगा तो वो जिम्मेदार होगा। इसके अलावा पब्लिक फंक्शनरीज हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं देश के बिहाफ पे काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उनकी जो हत्या कारित करना वो भी शामिल है। इसके अलावा किसी को किडनैप करना, डिटेन करना, एबडक्ट करना कि सरकार झुक जाए और शर्तों को मान ले, अरे कई बार होता ना कि हवाई जहाज उड़ रहा है उसको किडनैप कर लिया, रोक लिया और अल्टीमेटली कहा गया भाई हमारे इतने बंदे छोड़ दो तो ही हम जो है इनको फ्री करेंगे, हाईजैकिंग करना, वो सब जो है शामिल कर रखा है इसमें। अब नीचे जो है डेफिनेशन है, मैंने फर्स्ट डेफिनेशन जो है आपको एक्सप्लेन कर दी है, दूसरी है काउंटरफिट इंडियन करेंसी की कि ऐसी करेंसी जो कि छापी नहीं गई है पर उसको ऐसा तैयार किया गया है कि बिल्कुल रिजेंबल दिखे, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करके तैयार करना। तो इसका स्नैरियो क्या है यहाँ पर, मीन्स द काउंटरफिट करेंसी एज मे बी डिक्लेयर्ड आफ्टर एग्जामिनेशन बाय एन ऑथोराइज और नोटिफाइड फॉरेंसिक अथॉरिटी दैट सच करेंसी इज कॉम्प्रोमाइज्ड विद द की सिक्योरिटी फीचर ऑफ द इंडियन करेंसी।
तेगी कांड था ना भाई, अपन ने पढ़ा था, उसने स्टैम्प को जो है काउंटरफिट किया। तो कई लोग करेंसी को कर लेते हैं, जहाँ छपरी करेंसी और वहीं से जो है प्लेट लिया है और अल्टीमेटली उसका उपयोग करते हुए आपने नई जो है छापली करेंसी, बट वो करेंसी जो है डिफेक्टिव है और फॉरेंसिक ऑथोरिटी का यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है ज़रूरी है, तभी ये लाइबिलिटी जो है यहाँ पर इंकर होगी, यहाँ पर जो है स्पेसिफिक किया गया। अब हम पढ़ते हैं सब क्लॉज नंबर टू को, क्या कहता है ये, व्होएवर कमिट्स अ टेररिस्ट एक्ट और एक्टिविटी, अगर इससे किसी की डेथ होगी, ठीक है जी, तो उस सिनेरियो में ऑफेंस जो है पनिशेबल होगा विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और यहाँ फाइन भी जो है इम्पोज किया जा सकता है, और अदर केस में डेथ नहीं है पर गंभीर इंजरी हो गई है तो वहाँ पर जो इम्प्रिजनमेंट है वो लेस देन 5 ईयर नहीं होगा, बट इसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक कर सकते हैं और फाइन भी जो है इसको देना होगा। क्लियर हो गया आपको? और ऐसे अपने के लिए कॉन्स्पिरेसी करना, उसको अटेम्प्ट करना और उसकी एडवोकेसी करना, उसको अबेट करना, एडवाइस करना और उसको उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फेलिशिएट करना, प्रोत्साहित करना कि वैसा अपराध करे, तो ऐसा व्यक्ति भी जो है जिम्मेदार होगा जिसमें प्रिपरेशन को जो है शामिल किया गया है। इन कैटेगरी में जो कंसर्न व्यक्ति जो अबेट कर रहा है या उसको अटेम्प्ट कर रहा है या उसको एडवाइस कर रहा है या उसको फैसिलिटेट्स कर रहा है, तो ये भी जिम्मेदार है, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन फॉर अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच कैन नॉट बी लेस देन 5 ईयर, पर इसको LI तक एक्सटेंड कर सकते हैं, LI मींस लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और वहाँ फाइन भी जो है हो सकता है। सब क्लॉज नंबर 4 की अपन बात करते हैं कि ऐसे क्राइम को ऑर्गेनाइज करना या इनके लिए कैंप वगैरह स्थापित करना जिसमें ट्रेनिंग देना भी शामिल है, ताकि ऐसी एक्टिविटी जो है वो कंक्लूड हो सके, तो जो भी व्यक्ति इस कैंप का हिस्सा होगा करवाएगा वो भी जो है दंडनीय अपराध से जो है पनिशेबल होगा। इम्प्रिजनमेंट है मिनिमम 5 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू LI, और यहाँ फाइन भी जो है इम्पोज किया जा सकता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति जो ऐसे संस्थान का जो है मेंबर है जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर वो व्यक्ति भी जो है जिम्मेदार होगा, भले वो एक्टिविटी से परफॉर्म नहीं की हो, जिसमें उसका जो पनिशमेंट है वो LI तक एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर है? और सब क्लॉज नंबर 6 में किया कि हुएवर वॉलंटरली हार्बर, कि जो कोई भी हार्बर करेगा या कंसील करेगा ऐसे व्यक्तियों को, उसमें अटेंड भी जो है शामिल है, तो उस सिनेरियो में जिम्मेदार होगा। मिनिमम पनिशमेंट जो है वो 3 ईयर है, जिसको LI तक जो है एक्सटेंड कर सकते हैं और फाइन भी होगा। पर वापस से वही वाली बात है कि जो स्पाउस है ऑफेंडर की, अगर उसने छुपा रखा उसको, तो जो है उस पर लागू नहीं होगा। तो साथ ही छुपाने के तरीके क्या है ये मैंने बताया इसकी फर्स्ट 2 क्लासेस के अंदर, आप जाके देख सकते हैं सेक्शन 111 और सेक्शन 112 BNS पर वीडियो, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। हुएवर नोइंगली पजेस एनी प्रॉपर्टी डराइव, कोई प्रॉपर्टी ड्राइव हो रही है इसे या उसको ऑप्टेन किया जा रहा है जो कि आउटकम है टेररिस्ट एक्टिविटी का, तो जो कोई भी इसको पजेस कर रहा है वो भी पनिशेबल जो होगा इम्प्रिजनमेंट से होगा, जो कि मिनिमम जो यहाँ पर नहीं है बट मैक्सिमम जो है वो LI तक हो सकती है, और यहाँ पर फाइन भी जो है किया जा सकता है। और यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि इट इज़ हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ SP शैल डिसाइड वेदर टू रजिस्टर द केस अंडर द सेक्शन और अंडर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट और नॉट, कि जो भी ऑफेंसेज हैं जिसमें जो भी कार्रवाई है वो सक्षम अधिकारी के आदेश से होगी, जो कि यहाँ पर SP है, और जो कि डिसाइड करेगा इवन बाय अडरिंग टू द प्रोविजन ऑफ UAPA UAPA मंजे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। क्लियर हो गया अपने को? तो कुल मिला के अपन कंक्लूड कर लेते हैं भाई इसको, कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी है कुल मिला के कोई व्यक्ति मारा जा रहा है, कोई प्रॉपर्टी ख़त्म हो रही है, कोई एसेंशियल सर्विसेज जो है ख़त्म हो रही है, इसके अलावा डिस्ट्रक्शंस हो रहा है प्रॉपर्टी का जो गवर्नमेंट की है, इसके अलावा आप डिफेंस की आइटम्स को जो है या डिफेंस की चीज़ों को जो है डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं बाई यूजिंग बॉम्ब और गैस और केमिकल और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या ऐसा कोई सब्सटेंस जो नुकसान को जो है पहुंचा सकता है, तो व्यक्ति जिम्मेदार है टेररिस्ट एक्टिविटी का। पनिशेबल कैसे होगा ये मैंने आपको स्पेसिफिक कर दिया है, और इसके अलावा इसके डिफरेंट केसेस क्या हैं वो स्पेसिफिक कर दिया है, और इसमें हार्बरिंग अटैम्प्ट अबेटमेंट की पोजिशन क्या होगी मैंने आपको ये स्पेसिफिक कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं भाई हर्ट के ऊपर, हर्ट मंजे उपहति, ठीक है ना, चोट कहते हैं इसको अपन कॉमनली, इसको जो है अपन पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ के आना भाई प्लीज़, ताकि जो है इसको अपन और एफिशिएंटली जो है समझ सके। जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।